हेलो गाइस, क्या आप ऑक्टाफेक्स में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कितने लेवरेज के साथ आपको ट्रेडिंग को शुरू करना चाहिए, साथ ही साथ जानेंगे ऑक्टाफेक्स डेमो अकाउंट या फिर रियल अकाउंट के साथ आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, इसके बाद आपको फंड कितना ऐड करना है और इसके बाद बाय और सेल किस तरीके से करना है। आज की इस वीडियो में ये सभी हम इन डिटेल समझने वाले हैं, तो वीडियो ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप बिगनर फेसर ट्रेडर हैं, अभी अभी आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है या फिर ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और भी हमारे भाइयों का फायदा हो पाए। और आगे भी आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल के वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले हमें ओक्टा एफएक्स ओपन करना। अगर अभी तक आपने ऑक्टाफेक्स में अकाउंट नहीं बना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पर जाइए और अपना अकाउंट क्रिएट करिए, इसके बाद ऑक्टाफेक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे रियल, डेमो और कॉन्टेस्ट, तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एकदम बिगनर फेसर ट्रेडर हैं तो आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। डेमो अकाउंट के ऊपर कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करना है, कुछ दिनों के लिए चीज़ों को सीखना है, समझना है, इसके बाद आपको रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो डेमो अकाउंट में किस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे उसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों आप डेमो अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको प्लस का एक ऑप्शन नज़र आएगा, प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ऑक्टाफेक्स MT4, यानी ऑक्टाफेक्स आपके लिए मेटाट्रेडर 4 में भी ट्रेडिंग करने का सुविधा देता है, तो आप ऑक्टाफेक्स और मेटाट्रेडर 4 दोनों में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवरेज आप देख पाएंगे 1:500 का आपको मैक्सिमम लेवरेज यहाँ पे नज़र आएगा। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर फेसर ट्रेडर हैं तो आपको कितना लेवरेज सेट करना चाहिए उसके बारे में हम समझते हैं। आगे आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप्स दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, रियल एंड डेमो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेमो अकाउंट के ऊपर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, और जब आप डेमो अकाउंट के ऊपर एक अच्छा कंटिन्यू प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दें, इसके बाद आपको रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना है और खूब पैसा कमाना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आप जाएंगे तो नीचे आपको लेवरेज का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे आप लेवरेज पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में, अगर आप बिगनर फेसर ट्रेडर हैं तो आपको 1:200 का लेवरेज ही सेट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा लेवरेज सेट करेंगे तो दोस्तों आपका प्रॉफिट लॉस दोनों ही बड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए आपको 1:200 का लेवरेज यहां से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहां से क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट पे जाना है, यहां से आपके अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद यहां पे आपको एक टॉपअप का ऑप्शन नज़र आएगा। अब आप सभी के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, दोस्तों स्टार्टिंग में हमें कितने अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए, यानी कितने कैपिटल अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेडिंग करेंगे तो जितना भी आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, सपोज करिए अगर आप $100 को डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर 200, 500, जितना भी आप रियल अकाउंट में जितना डॉलर आप डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, उतना ही डिपॉजिट आपको डेमो अकाउंट में करना है। कर ले रहा हूँ, 100 से आपको स्टार्ट करना है। अगर मैं रियल अकाउंट में $100 को डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मुझे डेमो अकाउंट में भी $100 ही का ही टॉपअप करना है और इसके बाद ट्रेड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे $115 मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप टॉपअप कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्रेड का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए दो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पहला ऑक्टाफेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा दोस्तों मेटाट्रेडर 4 में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मेटाट्रेडर 4 में किस तरीके से ट्रेड करना है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन अभी समझने वाले हैं ऑक्टाफेक्स ट्रेड के बारे में। तो जैसे ही आप ऑक्टाफेक्स ट्रेडिंग ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऑल करेंसी पेयर आपको नजर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना है उस करेंसी पेयर को यहाँ से सिलेक्ट करना कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे USD JPY पेयर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ।
USD JPY पेयर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सभी यहाँ पे टाइम फ्रेम नज़र आया। M1 यानी कि 1 मिनट का चार्ट, ये है दोस्तों 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का और 1 आवर का चार्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड को देखने के लिए दोस्तों 1 आवर के टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप 1 आवर में जाएंगे तो आप ट्रेंड को देख सकते हैं अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी देखेंगे दोस्तों तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी टाइम फ्रेम को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। दोस्तों ट्रेड प्लेस करने के लिए हमारे लिए यहां से 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला होता है दोस्तों सेल और दूसरा होता है बाय। तो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा, बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। चलिए मैं अभी कुछ समय बाद आपको सेल और बाय करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम समझते हैं लॉट साइज के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आएगा लॉट्स। लॉट्स का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि हमने जो लेवरेज सेट किया है यहाँ पे 1:100 का यहाँ पे जो हमने लेवरेज सेट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो मैक्सिमम लॉट साइज यूज कर पाएंगे वो कर पाएंगे 0.10 लॉट साइज, ठीक है। मैक्सिमम जो आप लॉट साइज यूज कर पाएंगे दोस्तों 0.10 लॉट साइज मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। लॉट साइज को स्टार्टिंग में 0.01 यानी मिनिमम लॉट साइज के साथ ही ट्रेड करें। अगर आप मैक्सिमम लॉट साइज यूज करें तो मैक्सिमम 0.03 लॉट साइज यूज करना है, इससे ज़्यादा आपको लॉट साइज यूज नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। जैसे आप प्लस क्या को यहाँ पे प्रेस करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से लॉट साइज यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ से दोस्तों आप माइनस पे जाएंगे तो ये लॉट साइज यहाँ से घट जाएगी, ठीक है। तो अभी तो हम लॉट साइज यूज करेंगे 0.01 लॉट साइज ही यूज करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों किस तरीके से बाय और सेल करना है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है, सेल करना चाहते हैं तो सेल के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपनी ट्रेड को सेल करना चाहता हूँ तो दोस्तों मैं सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ से सेल 0.01 लॉट साइज के साथ हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है। इसके साथ दोस्तों अगर आपके ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने जो ऑर्डर यहाँ पे लगाया है वो यहाँ पे नज़र आएगा। ये ऑर्डर नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ये देखिए USD JPY का $0.13 का यहाँ पे अभी हमारा लॉस दिखा रहा है, राइट। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां से इस ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का एक आपको पेंसिल वाला आइकन नज़र आएगा, तो इसके ऊपर सिंपली आपको यहां से क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहां से मैं क्लिक कर दे रहा हूं और मॉडिफाई सेल ऑर्डर आपको नज़र आ जाएगा, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आप स्टॉप लॉस यहां से देना चाहें तो वो प्राइस आपको यहां पे डालना है। और इसके बाद यहां से अगर आप टेक प्रॉफिट भी तुरंत लगाना चाहते हैं तो टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो यहां से मॉडिफाई ऑर्डर कर देना है। तो आपका दोस्तों यहां से स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर आप चेक करना चाहें तो कुछ इस तरीके से 0.22 पॉइंट का आपका यहां से स्टॉप लॉस लग चुका है। साथ ही साथ अगर आप यहां पे टेक प्रॉफिट भी लगाना चाहते हैं तो टेक प्रॉफिट के ऊपर भी आपको क्लिक करना है, 34 पॉइंट का यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। इसको अगर आप घटाना या फिर बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से प्लस का और माइनस का आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। इस तरीके से आप टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस को बड़े ही आसानी के साथ बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मॉडिफाई कर देना है। जैसे आप मॉडिफाई करेंगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट लग चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इंस्टेंट इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एक कैंसिल का आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों क्लोज सेल ऑर्डर नंबर यहां पे नज़र आएगा, लॉट साइज आप देखिए 0.01 लॉट साइज के साथ आपने ट्रेड को प्लेस किया है, क्लोज का ऑप्शन आपको नज़र आएगा तो यहां पे -$0.15 का यहां पे आपको लॉस नज़र आ रहा है। अगर आप इंस्टेंट इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका ऑर्डर इंस्टेंट क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से चार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको चार्ट भी नजर आ जाएगा।
तो इस तरीके से गाइस आपको ओक्टा एपेक्स में ट्रेडिंग करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप बिगनर फेसर ट्रेडर हैं, अभी अभी आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आपको डेमो अकाउंट मिलता है ओक्टा एपेक्स में। आप डेमो अकाउंट के ऊपर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस करें, चीज़ों को अच्छे से सीखें, चीज़ों को अच्छे से समझें, अच्छे से लर्निंग करें, और इसके बाद आप अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है ओक्टा एपेक्स में मिनिमम कितने रुपए का डिपॉजिट करना है और इसके बाद हम ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको बता दें, अगर INR में बात करें तो दोस्तों 1500 रुपये का आप डिपॉजिट कर पाएंगे। 1500 रुपये में आपको $20 मिल जाएंगे, यानी मिनिमम आप $20 से ओक्टा एपेक्स में ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है, इसके बाद मिनिमम आप $20 से भी ओक्टा एपेक्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। और ओक्टा एपेक्स अकाउंट से मेटा ट्रेडर 4 में किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और भी जो इंडिकेटर्स होते हैं, इनको किस तरीके से यूज करना है, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।